वेलकम फ्रेंड्स, आई माधव का मैच माधव। चलिए मैच की दुनिया में चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का, एनसीईआरटी क्लास 10th। और हम लोग आ चुके हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज के चौथे क्वेश्चन पर। तो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम लोग चटका देंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4th आपके स्क्रीन पर भी है और मैं यहाँ पर रीड आउट करता हूँ इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन को समझना जरूरी है और डायग्राम को ड्रॉ करना जरूरी है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, उसकी लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, जो इसको पकड़ लेगा वो खेल जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको एलिवेशन एंड डेफिनेशन के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में, नहीं देखा हो जाके देख लेना, ठीक है। कुछ ज़्यादा तीस मार्क खाने वाली चीज़ नहीं है कोई एंगल, बस ऐसे लिखा हुआ है। आप बस ऐसे याद रखते हैं ना लोग कि एलिवेशन नीचे बनेगा, डिप्रेशन ऊपर बनेगा, तो याद कर लो तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर जब भी बोला, पोल जब भी बोला, तुरंत ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, ये हमारा टावर है, ठीक। तो लिखा हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो ठीक है। यहां पे मान लेते कहीं एक पॉइंट है, कहीं भी मान लेते हैं, यहां मान लो इसी के फुट के नीचे मत मान लेना, क्योंकि ये टावर का पैर है, फुट है। तो हमने मान लिया कि यहां पे एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ टावर से बन रहा है, कहां पर, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां पर बन रहा है एंगल। अरे तो एंगल बनाने के लिए कुछ बेस चाहिए, तो बेस चाहिए, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, यहां पर बेस मिल गया। और इसकी वैल्यू गिवेन है कितनी, 30 डिग्री। ऑपरेटर जी जरा इसका पासवर्ड कोड ओपन, ओके। नाउ ये 30 डिग्री, फिर क्या लिखा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 मीटर ना, यस, विच इज, जो ये पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है, कहां से, टावर के फुट से, टावर के फुट से। ये जो जमीन पे एलिवेशन का एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, वो इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। यही चीज समझना है स्टूडेंट्स, ये 30 मीटर में लिखना कहाँ, यहां लिखना है, यहां लिखना है, यहां लिखना है, ये भी समझना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें समझना क्या है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ कि ये जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, किधर की तरफ, उसके मुंडी की तरफ थोड़ी ना, जहां पर वो पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है उस तरफ, तो अवे फ्रॉम द टावर, ठीक। अब किसकी हाइट पूछ रहा है, टावर की हाइट पूछ रहा होगा, और क्या पूछ रहा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो निकाल लेते टावर की हाइट। मैंने बताया था कि जब भी थीटा है, ये वैल्यू आपको गिवन है, आपसे पूछ क्या रहा है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। आपसे ए बी पूछ रहा है, सीधे से क्या करना है, हमें पता है ये चाहिए हमको और ये चाहिए, जो दिया है वो और जो पूछ रहा है वो, इन दोनों को ही हमको लेके चलना है। थीटा, थीटा तुम्हें दिया हुआ है, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो मैं ये साइड नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पूछना ही नहीं है, हम ये वैल्यू गिवन है, ये पूछ रहा है, हमें इन्हीं दोनों से मतलब है, ये बाहर में जाए, हाइपोटेन्यूज, कोई मतलब नहीं इससे हमें, ये परपेंडिकुलर है। मैंने बार बार बताया कि थीटा के सामने जो भी साइड होता है, एंगल जहां गिवन हो, तो सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस होता है। हमने नाम ले लिया, बहुत है, लेकिन इसका काम हमें यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो बेस है 30 मीटर है, ठीक है, इसको हमने बेस लिख दिया। अब तुम्हें क्या खोजना, इस फॉर्मूले में खोजना है परपेंडिकुलर और बेस कहां पर है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, दिस इज, आपको पता है पी बाई बी जो होता है वो टेन थीटा होता है, ये तो आपको पता ही ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला कहानी, ठीक है, जैसे भी आपने रेशियो याद किया हो। तो हमने क्या लिख दिया सीधे, कि हमें पता है पी और बी टेन थीटा के रेशियो में आते हैं, लिखने को आप बी बाई पी भी लिख सकते हो, कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, आप पी बाई बी लिखो या बी बाई पी लिखो, बस आपको चेंज क्या करना है, अगर आप पी बाई बी लिखते हो तो टेन थीटा लिखना पड़ेगा, अगर बी बाई पी लिखते हो तो आपको कॉट थीटा लिखना पड़ेगा। तो इतना उल्टा घूमने की क्या जरूरत है, जब टेन से काम हो रहा है तो टेन से काम चलाएंगे। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ये हो गया, थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री। नाउ टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर दिया नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात निकालेंगे, इसका नाम ए बी लिख लो, कुछ नहीं दिया है तो ए बी तो लिख सकते हो ना,
ए बी डिवाइड बाई बेस आपको गिवेन है दिस इज 30 एंड टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3. हेयर इज ए बी अपॉन 30 और 30 इस ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई रूट थ्री में करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे. ठीक, तो देखो ये हो गया रूट थ्री ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है, नाउ 30 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 30 ही होगा. ए बी इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई में रूट थ्री है, उधर जाएगा 30 को डिवाइड करेगा, 30 डिवाइड बाई रूट थ्री. मैंने बार बार कहा है जब भी डिवीजन में रूट थ्री हो, रूट में कोई भी वैल्यू हो, तो रेशनलाइज करते हैं. और रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसी रूट की वैल्यू को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक बार नीचे मल्टीप्लाई. और जब ये मल्टीप्लाई करोगे, मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये रूट थ्री थ्री बन जाएगा. क्यों? क्योंकि रूट नाइन होता है और रूट नाइन को हम क्या लिखते हैं, थ्री लिखते हैं. और ऊपर हो जाएगा 30 रूट थ्री. अब ये देखो 3 से 30 को काट दो, कट गया कितने बार में, 10 बार में. योर रिक्वायर्ड आंसर इज 10√3. ये आपकी क्या हो गई, इसकी पोल की हाइट हो गई, यही आपका आंसर है. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.